29 अक्टूबर को शिवराज सिंह और सिंधिया की आम सभा। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को स्थिरता बरकरार रखने के लिए उपचुनाव में धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। कल 29 अक्टूबर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सुवासरा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के पक्ष में श्यामगढ़ मंडल के चंदवासा में एक 7 आम सभा को संबोधित करेंगे। कल आम सभा की तैयारी हेतु प्रवास पर आए जिला भाजपा अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया से चर्चा की गई। आइए देखते हैं मंदसौर से दिनेश बैरागी की ये रिपोर्ट। भाजपा तो हमेशा तैयार है, हमारा कार्यकर्ता तो उत्साह के साथ हमेशा उत्सव मनाने के लिए तैयार रहता है। कल का हम उत्सव मनाएंगे और महाउत्सव मनाएंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों एक साथ आ रहे हैं। शामगढ़ मंडल के चंदवासा जो हमारा नगर है वहाँ दोनों की सभा होगी। वहाँ हमारा कार्यकर्ता तैयारी के साथ जुटा है और कल दोनों हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सुनने के लिए आम सभा में जाने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव वार्ड-वार्ड में तैयारी कर रहा है और अति उत्साह है। कल हजारों चंदवासा छोटी सी जगह है और वहाँ पर दो बड़े दिग्गज नेता एक साथ मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी का वहाँ अपने छोटी सी जगह पर इतना बड़ा आयोजन रखा है, आप शामगढ़ में भी रख सकते थे। चंदवासा नगर जो है उसके आसपास लगभग 45 गांव लगते हैं और बैक है, वो थोड़ा सा इंटीरियर है, अंदर है, तो वहाँ भी कार्यकर्ता रहता है, वहाँ भी किसान रहता है, वहाँ भी आम जनता रहती है। आज तक कोई वहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ नहीं है, इसलिए सब लोगों का कहना था कि इस बार वहाँ मौका मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा उसके पास जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारे दोनों शीर्ष नेतृत्व जो है वो बिल्कुल वहाँ, छोटा गांव हो बड़ा गांव हो उससे कोई लेना देना नहीं, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। संख्या अच्छी रहेगी वहाँ पे? संख्या हजारों की संख्या में, आप कल आइए, हम निमंत्रण है आपको। सर मेरा एक सवाल और था, अभी बोरखेड़ी रेड़का में जो चंदवासा शामगढ़ ब्लॉक में आता है तो वहाँ पर भाजपा छोड़कर 36 कार्यकर्ता कांग्रेस में आए हैं। वो कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस में चले गए। अच्छा, भाजपा में नहीं थे? ये कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग कांग्रेस को मिलकर, जो कांग्रेस के ही थे वो भाजपा के बन के माला पहन लेते हैं कि हम भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए। इस प्रकार से माहौल खराब करने का और इस प्रकार से ढोंग करने का काम कांग्रेस पूरी विधानसभा में कर रही है।